A very good morning to all of you. Today we are going to start with the next reform under this policy, LPG policy. We discussed about liberalization, we discussed about privatization. Today we are going to start with the globalization. वैश्वीकरण पूरे विश्व को एक छोटा सा विलेज बना दिया. कैसे बन गया पूरा विश्व एक छोटा सा विलेज? क्योंकि सभी कंट्रीज बहुत तेजी से आपस में जुड़ गए. प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज. आपने क्लास 10th के अंदर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर पढ़ा था. इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी को विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. कैसे? बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड के बैरियर्स थे. कैपिटल मूवमेंट को फ्री कर दिया गया. दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. फिर देखो इसको एक और तरह से डिफाइन कर दिया. इट रेफर्स टू व्हाट? फ्री इंटरेक्शन अमंग ऑल द कंट्रीज. पूरी दुनिया में आपस में फ्री लेन देन, फ्री इंटरेक्शन. किस टर्म्स में? व्यापार, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, लोन्स, इन्वेस्टमेंट. ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आपने पढ़ा था क्लास 10th में. और इन्वेस्टमेंट का मतलब आवर कंट्री विल इनवाइट द फॉरेन कंपनीज इन आवर कंट्री एंड आवर डोमेस्टिक कंपनीज दे विल गो आउट एंड इन्वेस्ट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आउटसोर्सिंग एटसेट्रा. क्या क्या रिफॉर्म्स हुए ग्लोबलाइजेशन में? द रिफॉर्म्स दैट टुक प्लेस अंडर द ग्लोबलाइजेशन. फर्स्ट इज अ लिबरल इनफ्लो ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एफडीआई को लिबरल कर दिया गया. ये लिबर्टी क्यों दी गई? ताकि हमारे पास जो फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस आ गया था, वो क्राइसिस दूर हो जाए. एफडीआई हैज बीन रेज्ड फ्रॉम इनिशियल 40% टू 100%. बिकॉज क्यों? इट ब्रिंग्स इन द फॉरेन एक्सचेंज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एटसेट्रा. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप अंडर द ग्लोबलाइजेशन. सेकेंड इज अ पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी. वट इज दिस पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी? दिस वॉज ऑल्सो वन रिफॉर्म वेयर द गवर्नमेंट अलाउड एंड इट वॉज स्टार्टेड इन द बजट ऑफ 92-93 एंड देन from partial the full convertibility was in 93-94 in the current account of the BOP. आपने पढ़ा हुआ है, balance of payment chapter आप पढ़ चुके. It refers to what is this? It refers to purchase and sale of what? The foreign currencies at a price determined by the market. Flexible exchange rate system, ये हम पढ़ेंगे अभी chapter. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट जो हमारी यूनिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो देखो वो क्या कह रहा है. परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन करेंसीज एट अ प्राइस डिटरमिंड बाय द मार्केट, उसमें हम कर सकते थे. और ये क्या था? इट वॉज अलाउड फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा. तो ये क्यों किया गया? जो रिजिडिटी थी पहले हमारी, तो फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस हमें झेलना पड़ा. अब ग्लोबलाइजेशन में हम चाहते यही थे कि पूरा दुनिया में सब तरफ से बेनिफिट हो जाए और सारे कंट्री आपस में इंटीग्रेट हो जाए. तो बेटे वो पॉसिबल कब होगा? जब हमने कन्वर्टेबिलिटी को पहले पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी की, फिर उसी को हमने फुल कन्वर्टेबिलिटी में चेंज कर दिया. पार्शियल वॉज इन 93-92-93 बजट एंड फुल कन्वर्टेबिलिटी इन 93-94 बजट. तो दो रिफॉर्म्स हमने पढ़ लिए. मीनिंग क्लियर हो गया हमें ग्लोबलाइजेशन का? आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. सेकंड चीज हमें यह भी पता लग गया क्या क्या स्टेप लिए गए. लिबरल इनफ्लो ऑफ द एफडीआई, सेकंड इज अ पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी. अब थर्ड रिफॉर्म हुआ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज. यस, थर्ड इज अ आउटसोर्सिंग ऑफ द सर्विसेज. व्हाट इज आउटसोर्सिंग? Those services which a company feels is very costly, if it is provided within the company, they used to take the services from other firms.
it reduces their cost and the firms can earn a good level of profit. So you see here, it refers to the practicing of the buying goods and services by a firm from outside supplies. Means they are not taking it within, they are taking it from the outside, rather than producing them within the firm. So this is called outsourcing of services. Now, these services include what? These include voice-based business processes. We see the call centers. You can have any query. You just call there and get the answer of your query. Accounting services, clinical advice, teaching, banking services. These all are taken from outside. The main factor behind is what? That they reduce their cost, cheaper cost of these services in India, you know, because we have a skilled manpower and which is available at a low cost. Therefore, the firm can easily earn a good profit. Then comes next reform is reduction in the tariffs. Already I told you, tariffs were only imposed earlier to make restrictions on the trade and the investment. But now the motive was very clear. We wanted to promote the Indian economy. We wanted to uplift the Indian economy from the crisis of the foreign exchange. So, in order to encourage the competitiveness, competition badhane ke liye, sare tariff barriers ko khatam kar diya gaya. They have been withdrawn on most of the goods traded between India and R/W ka matlab hai rest of the world, puri duniya ke saath. Ye chautha reform hua globalization. Long term trade policy, pehle jo bhi trade policy banti thi uska term hota tha 1 year. Ab 1 year mein bharosa nahi hota tha. Ek saal ban gayi, agle saal fir change. तो इसमें क्या भरोसा हुआ? तो इसलिए कि लोगों का भरोसा हम जीत सके, लोग कौन? दूसरे कंट्रीज. इस ट्रेड पॉलिसी को 1 year टेन्योर से चेंज करके 5 years का टेन्योर कर दिया गया टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. उसके बाद एक और सुधार किया गया, मॉडिफिकेशन इन द टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स. जो टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट था उसको मॉडिफाई किया गया, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया. क्या किया गया? ऑल द कोलैबोरेशंस कंसर्निंग हायर टेक्नोलॉजी हैव बीन मेड इजी. अगर मुझे अपने कंट्री को अपलिफ्ट करने के लिए हायर टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो मैं बड़ी आराम से उसके लिए बाहर से उसको मंगवा सकता हूं. पहले ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती थी, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल, बड़ा लंबा प्रोसेस था. तो अब ये प्रोसेस सिंपल कर दिया गया और नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग द डेवलप डोमेस्टिकली टेक्नोलॉजी एब्रॉड. हमारे कंट्री में हमने कोई टेक्निक बनाई है, इसको हम बाहर जाके अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी फर्म्स को फायदा होगा. गवर्नमेंट ने सारी रिस्ट्रिक्शन दूर कर दी. तो अभी हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या है ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए. आपने पहले दो रिफॉर्म पढ़े, लिबरल इनफ्लो ऑफ द एफडीआई, सेकंड इज अ पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, थर्ड इज अ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, फोर्थ इज अ रिडक्शन इन द टैरिफ, फिफ्थ इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी एंड द लास्ट वन इज अ मॉडिफिकेशन इन द टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स. अब हम अगला एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज WTO, कब ये एस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या मेन फंक्शंस हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के. सबसे पहले तो क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? फाउंडेड इन 1995 एंड इट वाज अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको हम GATT के नाम से जानते हैं, जो कि 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था. 23 कंट्रीज उसके मेंबर थे. WTO के जब एस्टेब्लिश हुआ था तो 104 कंट्रीज, आज 164 कंट्रीज.
इसके मेंबर। अब क्या फंक्शंस है? नंबर वन, एस्टेब्लिशेस द रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइन। रूल बेस्ड का मतलब कोई अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी, व्यापार जो भी होगा देशों के बीच में उसके लिए कुछ सेट रूल्स बना दिए गए, उसी रिजाइन को उसी सिस्टम को सभी कंट्रीज फॉलो करेंगे, इन विच द नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। अपनी मर्जी है, मन किया तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी, मन किया तो हटा दी, ऐसा नहीं चलेगा। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने पहला काम ही उसका ये है, इस चीज को देखे कि कोई भी नेशन अपनी मर्जी से रिस्ट्रिक्शन ना लगा सकता है ना हटा सकता है, जो सेट रूल्स है उसको फॉलो किया जाए। नंबर दो, इट कवर्स द ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टू हेल्प द बायलैटरल दो देशों के बीच में एंड मल्टीलैटरल ट्रेड बाय रिमूविंग द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। जितनी भी तरह की रुकावटें हैं टैरिफ से रिलेटेड और कुछ फॉर्मेलिटीज, उनको दूर करके आपस में कंट्रीज को इंटरकनेक्ट किया जाए टू हेल्प द बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड। ये दूसरा काम करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दो फंक्शंस हो गए। थर्ड क्या करता है? एम्स एट एनलार्जिंग द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। पूरी दुनिया के रिसोर्सेज खराब ना हो जाए, उनको उनका ऑप्टिमम यूज हो, बेस्ट यूज हो, इसको ध्यान में रख के वो सभी कंट्रीज के साथ अच्छी डीलिंग मेंटेन करता है, एनलार्ज करता है प्रोडक्शन को, एनलार्ज करता है व्यापार यानी ट्रेड को ऑफ सर्विसेज, ताकि सारी दुनिया के रिसोर्सेज का बेस्ट यूज किया जाए। दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द WTO। एंड द लास्ट वन इज इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल द मेंबर कंट्रीज एज इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल इन द इंटरनेशनल मार्केट। सबको इंटरनेशनल मार्केट में बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले, कोई भी पीछे ना रह जाए, इस चीज का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, ताकि हर कंट्री को बराबर अधिकार हो मार्केट में अपना सामान पहुंचाने का। अब लास्ट हमारे पास है कि इंडिया जो है इज अ इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है हमारा भारत, और फोर फ्रंट पर सबसे आगे वो लड़ रहा लड़ाई, फ्रेमिंग द फेयर ग्लोबल रूल्स एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशन, कि हमारे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ WTO में किसी तरह का कोई पार्शियलिटी ना हो, उसके लिए इंडिया एडवोकेट की तरह काम करता है, एडवोकेसी करता है कि हर तरफ पूरे कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को भी बेटर तरह से फैसिलिटी मिले और उनको किसी तरह से कोई भी पार्शियलिटी ना झेलनी पड़े। तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम इसका पढ़ेंगे, अप्रेजल ऑफ द पॉलिसी। तब तक आप इसे अच्छी तरह से करते रहिए, और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कुछ और भी इनकॉर्पोरेट करूं, वैसे तो मैं आपको सारा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, नोट्स आपके सारे डिटेल में आपके पास आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ और आप चाहें मेरी तरफ से, आप अगर कोई आप चाहते हो तो कमेंट जरूर करिए, और इसको जरूर लाइक भी करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप समझ रहे हैं, एंड होप कि आप इसको अच्छी तरह से करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।